एक ये आज के जमाने में व्यक्ति का मोबाइल एक तरह से उसका सब कुछ है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसकी पर्सनल यादें हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो एक मोबाइल के एक तरह से मिनी लैपटॉप मान लें आप उसको, उसके जरिए वो आदमी अपने सारे काम के थ्रू करता है। और जब व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता है तो वो एक तरह से अपने आप को हैंडीकैप महसूस करता है। हमारे पास कई बार फ़ोन आते हैं कि साहब एक बार मोबाइल मिल जाए, उसमें हमारा डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, तो उस आदमी की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि एक बार मैं घूमने के लिए विद फैमिली मलेशिया गया था, वहाँ मेरा मोबाइल जो है किसी गाड़ी में रह गया और गाड़ी आगे निकल गई, तो अपने आप को कैसा ऐसा है महसूस किया। बाद में बड़ी खुशी हुई जब वो मोबाइल वहाँ की पुलिस के जरिए मेरे होटल में मेरे कमरे तक अपने आप पहुँचा। एक ये आज के ज़माने में व्यक्ति का मोबाइल एक तरह से उसका सब कुछ है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसकी पर्सनल यादें हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो एक मोबाइल के एक तरह से मिनी लैपटॉप मान लें आप उसको, उसके जरिए वो आदमी अपने सारे काम के थ्रू करता है। और जब व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता है तो वो एक तरह से अपने आप को हैंडीकैप महसूस करता है। हमारे पास कई बार फ़ोन आते हैं कि साहब एक बार मोबाइल मिल जाए, उसमें हमारा डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, तो उस आदमी की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि एक बार मैं घूमने के लिए विद फैमिली मलेशिया गया था, वहाँ मेरा मोबाइल जो है किसी गाड़ी में रह गया और गाड़ी आगे निकल गई, तो अपने आप को कैसा ऐसा है महसूस किया। बाद में बड़ी खुशी हुई जब वो मोबाइल वहाँ की पुलिस के जरिए मेरे होटल में मेरे कमरे तक अपने आप पहुँचा। तो ये मन में विचार आया कि जितने मोबाइल जो हमारी साइबर टीम ने और दोनों एडिशनल एसपी साहिबान के निर्देशन में सब विभिन्न थानों ने प्रयास किए हैं, तो मोबाइल का ट्रैकिंग सिस्टम आप सब जानते हैं, IMI नंबर होता है, उसके आधार पर हमारी हम मदद लेते हैं साइबर सेल की, और साइबर सेल से जो है इन मोबाइल्स को ट्रेस किया किसके पास वो अभी वर्तमान में ऑपरेशन में है। क्योंकि मोबाइल यदि यूज़ में हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको फिर भी बरामद किया जा सकता है, यदि उसने उसका IMI नंबर चेंज हो गया है या वो कहीं बंद हो गया है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो कुल मिलाकर 176 मोबाइल जो है हमने बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित जो कीमत है वो 35 लाख के आसपास, एक रफ हमने माना है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो कुछ जो हमारे हैं जिनके मोबाइल गुम हुए थे उनको हमने बुला रखा है, आज हम उनको मोबाइल वापस उनका जो है लौटाएंगे, तो आप देखिएगा उनसे बात करके कि उनको कैसी खुशी महसूस होती है। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि पुलिस का एक ये बड़ा पॉजिटिव आस्पेक्ट आप लोगों के माध्यम से हम जनता को दिखा पा रहे हैं। हम भी इससे सरोकार रखते हैं और एक आम आदमी की पीड़ा को हम समझते हैं, इसी उद्देश्य से आज ये मोबाइल का जो है आपके सामने जो इतने मोबाइल डिस्प्ले कर रखे हैं, ये सब मोबाइल इनके मालिक जो है ऑनर्स हैं उनको हैंड ओवर किए जाएंगे। सर, इस मामले में कोई गिरफ्तारियां की, मतलब ये फोन खोए हुए हैं या चोरी? ये लॉस्ट एंड फाउंड में है, तो उसी जरिए में, क्योंकि कई बार आदमी का मोबाइल गाड़ी में रह जाता है, कहीं गिर जाता है कई बार, तो वो जो रिपोर्ट देता है वो नॉर्मली लॉस्ट एंड फाउंड की आती है। लॉस्ट एंड फाउंड में हमारा प्रयास रहता है कि उस जगह जो वो चीज़ है वो किसी न किसी रूप से उसको वापस मिले, ये हमारा प्रयास। सर, टीम ने कितने समय तक वो किया? ये मेरे आने से पहले शायद चूनाराम जी ने एक पहले इस तरह का एक प्रोग्राम किया था, उसके बाद अब ये जो है 5-6 महीने मान लीजिए आपकी, लगभग 6-1 महीने की जो है ये मेहनत है पूरी टीम की। सर, कहां कहां से आए हैं जिनके मोबाइल हैं? इसमें लिस्ट है, मैं बता दूंगा आपको। इसमें जो है आपके गुजरात से भी आए हैं, अजमेर के भी हैं, तो लोकल लोग ज़्यादा हैं, बाकी कई बार जायरीन आते हैं यहाँ पर, तो उनके मोबाइल दरगाह एरिया में कहीं ना कहीं ट्रेन स्टेशन कहीं ना कहीं उनके मिसप्लेस हो जाते हैं। सर, टीम में महत्वपूर्ण लोग कौन कौन हैं जिन्होंने इसमें पूरी मेहनत की? टीम में दोनों एडिशनल एसपीज मेरे हैं, इनके निर्देशन में ये जो है संबंधित इनके नीचे जो थाने आ रहे हैं वो है, प्लस साइबर टीम हमारी जो यहाँ की है काफ़ी एक्टिव है और उसी के सहयोग से ही ये सारी चीज़ संभव हो पाई। कोई संदेश जनता के? संदेश मैं यही कहूँगा कि ये बहुत आपका एक अहम आज की रोज़मर्रा की लाइफ का हिस्सा है, तो
अंग्रेजी में कहते हैं नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो एक मोबाइल के ऊपर जो है हर चीज़ रिलाय ना करें, इसका बैकअप समय समय पर लेते रहें ताकि इनकेस कभी मोबाइल ख़राब हो जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो एटलीस्ट आप हैंडीकैप ना हो। वो एक मेरा सबसे बड़ा संदेश है। था मेरा मोबाइल और आज मेरे को बहुत ही खुशी हुई है कि मेरा मोबाइल आज मुझे प्राप्त हुआ है हमारे साइबर पुलिस के टीम के ज़रिए। बहुत ही खुशी हुई और इन सबका मैं धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने अपनी मेहनत से हम सभी का, मेरा ही नहीं जितने भी मोबाइल अभी इनको मिले हैं उन सबके लिए बहुत ही खुशी हुई है। आप जब फोन गुम जाते हैं तो किस प्रकार की परेशानी? अरे बहुत बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर सारे डाटा रहता है, मोबाइल आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ रहता है, ATM का वगैरह का सबकी फोटो वगैरह रहती है, तो हमें बड़ी मुश्किल का सामना है। कब खोया था मोबाइल? अजमेर में दरगाह के अंदर खोया था मेरा मोबाइल, मैं अजमेर की हूँ। 2021 में। कुमार, मैं अजमेर से हूँ, गुलाबबाड़ी से। अच्छा, आपका मोबाइल कब खोया था और कहाँ खोया था? जनवरी 2022 में केसरगंज सब्जी मंडी के अंदर खोया था। हाँ जी, कलेक्टर वाले में रिपोर्ट लिखाई थी। अच्छा, अब आपके पास पुलिस का फोन आया, कैसा लग रहा है? हाँ, बीच में टच में भी था मैं सुरेश जी के, सुरेश जी ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया था कि हम आते हैं आपको रिपोर्ट करेंगे, और जैसे ही मोबाइल टेस्ट हुआ मेरा फोन आ गया कि आपका मोबाइल आपको दे देंगे। कितनी खुशी की बात है? खुशी तो है ही है भाई, दूसरा बात मिला है, हमें तो उम्मीद ही खोई थी। कई तरह का डाटा भी रहा होगा, तो कई परेशानियां भी उठानी पड़ी होगी। वो मैंने उसको सिंक किया हुआ था, इसके कारण नए मोबाइल में उसको ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया था वो, बट कुछ फोटो हैं जो फोटो वगैरह जो होती है वीडियो वगैरह वो बैकअप में नहीं है।